होता है कि हमें यूएससीए में करना चाहिए या इन एजेंट करना चाहिए दोनों ही हाईली डिमांडेड कोर्स हैं लेकिन दोनों का जॉनर अलग है दोनों की फील्ड अलग है तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए बेटर क्या है आपके लिए यूएससीए में बेटर है या इन एजेंट बेटर है तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है मैं एक एक करके देने वाला हूं लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ये कोर्स आफ्टर 12th दोनों ही कोर्सेज को आप आफ्टर 12th स्टार्ट कर सकते हैं और इंडिया में इसकी एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं सो लेट्स डिस्कस निकिता सर जैसे कि हमारे दोनों कोर्स है यूएससीएमए एंड एनरोल एजेंट ऑफ कोर्स दोनों कोर्सेज अपनी अपनी जगह बेस्ट कोर्सेज हैं बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि दोनों में से इजी कोर्स कौन सा है तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे निकिता आपने बोला आसान कौन सा कोर्स होगा तो देखिए सबसे पहले हम ये समझें कि दोनों ही एक प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जहां इनरोल्ड एजेंट जो है वो यूएस टैक्सेशन का एक लाइसेंस है मतलब आपको टैक्सेशन फील्ड में स्पेसिफिकली यूएस टैक्सेशन में मास्टरी अचीव करेंगे आप और सीएमए यूएसए एक ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन है आसान आपने पूछा देखिए आसानी कई बार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है स्टूडेंट का प्रेजेंट सिनेरियो क्या है उसका पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है उसका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है ये सारे मैटर भी करते लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एक बिल्कुल नॉर्मल पर्सन एकेडमिकली एवरेज पर्सन मैं पे बहुत ब्रिलियंट क्लास के स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं आसान आसान आपको इनरोल्ड लेजेंट पड़ेगा उसका सबसे बड़ा रीजन देखिए इनरोल्ड लेजेंट में केवल एक ही सब्जेक्ट है और वो है यूएस टेक्सेशन उस एक सब्जेक्ट को छोटे छोटे तीन पार्ट में बांट दिया पहला पार्ट जो है वो इंडिविजुअल के के लिए two, के लिए पार्ट पार्ट कंपनीज और जो है वो है रोलिए तो आसान इनरोल्ड एजेंट इसीलिए है क्योंकि एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन और सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है आपको और एक ही सब्जेक्ट को तीन पार्ट्स में क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया अब आप पूछेंगे सर यूएस में ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है कंपेरिटिवली देखिए यूएससीएमए में आपको ट्वेल्व कोर कॉम्पिटेंसी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी पढ़ना है यूएस गैप के बारे में भी पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ना है तो कंटेंट पार्ट दो है कई बार लगेगा कि पार्ट वन और पार्ट टू लेकिन आसान जो आसानी से पास किया जाता है एज कंपेरेटिवली वो इनरोजेंट होगा अगर मैं बात करूं दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड है बट स्टिल इज मच इजियर देन यूएससीएम सर जैसा आपने बोला कि ये इस देन होगा, अगर उसका दोनों में हो तो अब देखिए आपका क्वेश्चन है टाइम टेकिंग तो दोनों ही कोर्स को एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो लेस देन वन ईयर में पास कर सकता है सबसे अच्छी बात ए ए और यूएस की ये है कि ई ए की भी एग्जाम कंसिस्टेंटली होती रहती केवल

एज ए राइटिंग भी नहीं है तो अगर ओवरऑल यूनिट्स के बारे में बात करूं ओवरऑल आपको थर्टी यूनिट्स जो हैं, वो ई में पढ़नी पड़ती हैं, और यूएस में अप्रोक्सीमेटली थर्टी फाइव टू फोर्टी आपकी ओवरऑल यूनिट्स हो जाती हैं। टाइम ओनली टाइम के बारे में बात कर रहा हूं फटाफट जो हो जाए वो इनरोल्ड एजेंट होगा जैसे अभी आपने बोला कि टाइम टेकिंग भी जो प्रोसेस है इनका और इजी भी कौन सा है पर जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जो अभी इस फील्ड में खुद के लिए बहुत न्यू है उनके लिए ज्यादा स्कोप कहाँ पे होगा अब लिखिता आपने पूछा स्कोप किसका ज्यादा होगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन की देखिए इनरोल्ड एजेंट में आपको एक लाइसेंस मिलता है लाइसेंस आपको राइट देता है प्रैक्टिस करने का इनकम टैक्स में जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो इनकम टैक्स पे प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही अमेरिका में यूएस टैक्सेशन की प्रैक्टिस करने का जो राइट है वो सीपीए को भी मिलता है और इनरोल एजेंट को भी मिलता है अब इंडिया में बहुत ज्यादा काम जो है वो आउटसोर्स होकर आता है तो यूएस टैक्सेशन का स्कोप है स्पेशलाइजेशन इन टैक्सेशन और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का designation है। तो US CMA में आप सीखते सीखते हैं, corporate finance सीखते हैं, US GAP और का आपको नॉलेज मिलता है। स्कोप दोनों का है लेकिन दोनों की फील्ड बहुत डिफरेंट है और मैं ये कहूंगा कि यूएससीएम का जो स्कोप है वो ज्यादा ब्रॉडर है वर्सेटाइल है क्योंकि यूएस टैक्सेशन में तो केवल आप टैक्सेशन में काम कर सकते हैं लेकिन यूएस यूएससीएमए को करने के बाद आपके पास ट्वेल्व कोर कॉम्पिटेंसीज आ जाती है। आप बिग फोर कंपनी में एलिजिबल हो जाते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप सर्विस सेक्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एक प्रोफाइल होती है एफपी ने फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें भी यूएस यूएससीएमए की हायरिंग होती है तो यूएस यूएससीएमए का स्कोप का जो दायरा है वो बहुत वर्सेटाइल है

तो वहां पे इन कोर्सेज का क्या स्कोप है आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे अब देखिए आप स्पेशली बात करी है गल्फ कंट्रीज लाइक कतर है ओमान है दुबई है यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोप आपको मिलेगा यूएससीए में देखिए इस कंट्री में टैक्सेशन नहीं है अभी आ रहा है लेकिन वो भी कॉर्पोरेट लेवल पे अप्लीकेबल हुआ है तो यूएससीए में जो स्किल आपके अंदर आ जाती है वो फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लानिंग एंड बजटिंग तो अगर आप मुझसे पूछे गल्फ कंट्री हमारे पास काफी आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का हमने गल्फ में प्लेसमेंट भी कराया है तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में यूएससीएमए की हायरिंग हो रही है कंट्रोलर की पोजिशन पे इनरोल्ड एजेंट की हायरिंग हो रही है, तो गल्फ कंट्री अगर आपका टारगेट है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनरोल्ड एजेंट नहीं आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी जो है वो यूएससीएमए लेकर आएगा और स्पेसिफिकली यूएससीएमए का चैप्टर ऑफिस भी गल्फ कंट्री में है तो आप अगर इन कंट्रीज में जा रहे हैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एडवाइस करूंगा सीएमए यूएसए आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है इवन अकाउंटेंट को भी अच्छे खासे पैकेजेस मिल रहे हैं आफ्टर यूएससीएमए तो गो फॉर यूएससीएमए सर जैसे अभी आपने बोला कि गल्फ कंट्रीज में इनका ऐसा स्कोप रहेगा और कॉर्पोरेट में तो इनका स्कोप है ही बिकॉज वी आर हैविंग अ बिग फोर बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर सेक्टर की बात करूं कि में इनका स्कोप क्या है और कितना रहेगा तो उसमें आप क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहेंगे देखिए बैंकिंग सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो यूएससी में आपको बहुत हेल्प करता है मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करूंगा मानसी जिनका डच बैंक में प्लेसमेंट हुआ है काफी अच्छे पैकेज में देखिए में क्या स्किल आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की आपको कंट्रोलर की पोजीशन मिलती है आपको इंटरनल ऑडिट की पोजीशन मिलती है उसके साथ साथ एक कंप्लाइंस की पोजीशन होती है अब क्या होता है जैसे बैंकिंग कंपनीज जो होती हैं वो क्लाइंट की जब लोन को सेंक्शन करती है तो उनकी क्रेडिट अप्रूवल को चेक करती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को चेक करती है फिजिकल स्टडी को चेक करती है तो वहां पर यूएससीएमए का, का काफी अच्छा रोल है तो इंटरनेशनल बैंक्स

यूएससीए में आपको यूएस गैप और कंप्लाइंसिस और इंटरनल ऑडिटिंग का और कंट्रोलर का काफी अच्छा नॉलेज मिल जाता है तो आई वुड प्रेफर कि आप बैंकिंग सेक्टर में अगर देखते हैं तो यूएससीए में आपको ए के कंपेरिजन में ज्यादा हेल्प करने वाले है। बट अगर हम देखें तो इन कोर्सेज का स्कोप आजकल और इन कोर्सेज को करने के इंटरेस्ट हमारे एक्सपीरियंस में भी बहुत ज्यादा होती है तो जो लोग ऑलरेडी पाँच छह साल का एक्सपीरियंस रखते हैं खुद के पास फाइनेंस फील्ड में या फिर हम कॉमर्स फील्ड में बोले तो उनके लिए कौन सा कोर्स बेटर है निकिता आपने बोला कि अगर किसी को एक्सपीरियंस है लेट से फाइव ईयर टेन ईयर का एक्सपीरियंस है और वो भी अकाउंटिंग फील्ड में तो अगर आप अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए देख रहे हैं आप चाह रहे हैं कि आप किसी कंपनी को छोड़ना चाह रहे हैं किसी नई कंपनी में स्विच ऑन होना चाह रहे हैं तो करियर प्रोग्रेशन के लिए तो डेफिनेटली यूएससीए में अच्छा है देखिए एक बीकॉम स्टूडेंट के पास सबसे मिसिंग क्या चीज है एक तो क्रेडिबिलिटी पहली बात दूसरी उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं है और स्किल गैप को फिल करने के लिए आपको यूएससीए में करना चाहिए एज ए बीकॉम ग्रेजुएट एज ए फाइव ईयर टेन ईयर का आपका एक्सपीरियंस है ना तो आपका पैकेज क्या होता है

किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं कॉस्ट कटिंग में आप हेल्प करते हैं कॉस्ट कंट्रोलिंग में आप हेल्प करते हैं तो यूएस में आपको सी तक की पोजीशन पर पहुंचा सकता है और ये एक ग्लोबल डेजिग्नेशन है आपको इंडिया नहीं इंटरनेशनली क्या करता है जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तो एज ए एक्सपीरियंस आपके लिए यूएस जो है वो बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन हो सकता है मैं बार बार बोल रहा हूं ग्लोबल मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेजिग्नेशन और इंडस्ट्री ओरियंटेड इसका जो डिजाइनिंग है, है, है कि आपके पास वैल्यू एनालिसिस आपके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रोल पर आप जा, जा पहुंच जाते हैं जहां से आप उनके लिए वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं दैट्स वाई दे आर प्रोवाइडिंग यूज पैकेजेस फॉर दी सी एम ए कैंडिडेट्स सर अब जैसे कि आपने हमको सब चीज पे इतना सारा गाइडेंस प्रोवाइड करा बट एक चीज जो सबको बहुत अट्रैक्ट करती एंड इज़ सैलरी सैलरी अब अगर हम salary की बात करें कि दोनों कोर्सेज की क्या सैलरी रहती है बीइंग अ फ्रेशर और बींगाइव प्लस ईयर एक्सपीरियंस तो आप क्या कहोगे देखिए आपने बोला एज ए फ्रेशर तो जहाँ इनरोजेंट का जो फ्रेशर का पैकेज वो फाइव टू इलेवन बोलेंगे सर फाइव से इलेवन का इतना बड़ा रेंज क्या मैंने देखा है कि बिग फोर जब हायर कर रही है इनरोल्ड एजेंट को अगर आपको इंटरव्यू में आपसे टेन सिक्सटी फाइव जो कि स्पेसिफिकली होता है पार्टनरशिप का रेटिंग कॉर्पोरेशन इलेवन ट्वेंटी तो अगर आपको कॉर्पोरेशन और टेन सिक्सटी फाइव के लिए मिलेगा तो आपका पैकेज सेवन लैक एट लैक भी हो सकता है जैसे एक कैंडिडेट है जिनका बीडीओ में प्लेसमेंट हुआ एट लैख पे तो इनरोल्ड एजेंट आपको फाइव टू इलेवन के पैकेज में भी ले जा सकता 5 है फाइव लोएस्ट है हाइएस्ट इलेवन है फ्रेशर

यूएससीए में की स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो फाइव टू सिक्स लैख होगी दो से तीन साल का एक्सपीरियंस फिफ्टीन ट्वेंटी लैख आपका पैकेज हो सकता है तो बोथ बोथ द कोर्सेज वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हैं आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे अगर आपको नंबर क्रंचिंग पसंद है आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में आपका अकाउंटिंग में कॉस्टिंग में गो फॉर यूएससीए में लेकिन आपको थ्योरी पसंद है आप एप्लीकेशन बेटर कर सकते हैं आपको जो भी न्यू चेंजेस ऑफ लॉ आते हैं आपको इनको पढ़ने में मजा आता है आपकी लैंग्वेज पे कमांड है गो फॉर इनरोल एजेंट आप पांच साल बाद अगर अपने आप को देखेंगे ना इनरोल एजेंट करके थर्टी टू फोर्टी लैक के पैकेज पे होंगे तो मैं यूएस स्पेसिफिक कोर्स के बारे में कहूंगा आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए दोनों ही कोर्स वर्ल्ड क्लास प्रोफेशन है थैंक यू सो मच सर आपने हमारे व्यूअर्स को इतना गाइड करा और इतना पेशेंटली हमारे व्यूअर्स ने इस पूरे पॉडकास्ट को सुना बट सर अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक एडवाइस आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे रिगार्डिंग और एनरोल एजेंट तो क्या होगी देखिए वन एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है आप बहुत स्ट्रगल करेंगे चाहे ई करें चाहे यूएससी करें या कोई भी और कोर्सेज के लिए आप देख रहे हैं अपनी लाइफ का एक मिशन बनाइए कि हम एक ऐसा कोर्स करें जिसमें हमारे पास टेक्निकल स्किल आए हमारे पास स्पेशलाइजेशन आए और जिसके बेसिस पे हम हमारी इंटायर लाइफ को एक अच्छे शेप में दे सकें तो प्रोफेशनल डिग्री मस्ट होगी चाहे फिर वो ई हो चाहे यूएस हो प्रोफेशनल डिग्री आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आती है जिससे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे टॉप लेडर की प्रोफाइल को क्या है अचीव कर सकते thank you so much sir for giving the precious advice to our viewers and thank you so much viewers i really hope that you really like the advice given by sir and the guidance they provide you to choose the correct pathway if you really like the video then don't forget to like share and subscribe to our youtube channel apart from this if you have any further queries regarding the set courses don't hesitate to contact us either at below mentioned details and you can also share your queries in the comments box. Thank you so much for watching this video. We will be back soon with another video.